Good morning. ठंडा पे चलोगे आगे टॉपिक है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन। ओके, मैंने आपको सबसे पहले आईक्यू का जो फंडामेंटल बुक है वो आप निकालो सबसे पहले, क्योंकि उसके अंदर ना सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ऑल क्वेश्चंस के, तो पहले आप वो निकालिए आईक्यू फंडामेंटल बुक। ओके, निकाला आपने बुक। यस, ठीक है ना। अभी देखिए वन से लेके ना फाइव तक ट्राई करो पहले, क्वेश्चन वन टू फाइव। वन टू फाइव या मैं तो क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, रुको आप, मैंने क्विक रिवीजन करवा देता हूँ फिर आप सॉल्व करना। मिक्सर एलिगेशन में क्या है जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सपोज कोई भी टू वेराइटीज, एक वेराइटी का प्राइस है 30 रुपीज पर केजी एंड सेकेंड वेराइटी का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, मुझे दोनों को मिक्स करके 35 रुपीज पर केजी सेल करना है। ठीक है, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट वेराइटी का रेट है 30 रुपीज पर केजी, सेकेंड का है 50 रुपीज पर केजी, दोनों को मिक्स करके मुझे 35 रुपीज पर केजी में सेल करना है। ठीक है, तो आप किस रेशियो में मिक्स करोगे, राइट नाउ तो मैंने समझाया था आप ऐसा चार्ट बना लो। ठीक है, एंड क्या करना है, ये 50 माइनस 35 इज 5। दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 3:1। तो अगर मैं 3:1 के रेशियो में इसको मिक्स करता हूँ, 3:1 में, राइट, तो मुझे जो पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रहा टाइप वन क्वेश्चन। टाइप टू क्वेश्चन में क्या होगा, अगर सपोज वेट ऑफ फर्स्ट वैरायटी मेंशन हो,
वेट ऑफ फर्स्ट वैरायटी मेंशन हो और सेकंड फाइंड करना हो। जैसे ले लीजिए क्वेश्चन कि 30 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी एंड जो मिक्सचर है वो मुझे सेल करना है 35 रुपीज पर केजी पे। ओके 35 रुपीज पर केजी और वेट ऑफ फर्स्ट वैरायटी दिया हुआ है 300 केजी। वेट ऑफ फर्स्ट वैरायटी इज 300 केजी, फाइंड वेट ऑफ सेकेंड वैरायटी। ओके तो सेम रूल आप अप्लाई करोगे, 50 माइनस 35 इज 15 एंड 35 माइनस 30 इज 5 इज 3:1। ओके 3:1 आपका रेशियो आ गया। अब मुझे ये बताओ अगर 3 का वैल्यू 300 है, 3 का वैल्यू 300 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 100 रुपीज। ओके 100 केजी सॉरी। सो 3 = 300, 1 = 100। ओके ये है इसका लॉजिक। ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट रूल कि प्राइस ऑफ वाटर कभी मेंशन नहीं होता है मिक्सर में, तो आपको ऑलवेज 0 एज्यूम कर लेना है। प्राइस ऑफ वाटर ऑलवेज क्या होगा, 0 एंड मिक्सर का जो टॉपिक है वो हमेशा सॉल्व करोगे आप विथ कॉस्ट प्राइस। मिक्सर ऑलवेज सॉल्व विथ कॉस्ट प्राइस। ठीक है तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप निकालिए मिक्सर टॉपिक एंड क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक आप सॉल्व करो, 1 to 5। वेरी गुड परम मन, वेरी गुड। मन काव्य शाश्वत यशस्वी 4 बच्चों का हो गया। वेरी गुड। प्रियांशी वेरी गुड। चलिए बताओ मुझे आंसर, फर्स्ट का आंसर बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट इज C 2:3। ओके
टू इज टू थ्री, करेक्ट है. सेकेंड सेकेंड इज डी दैट इज फोर इज टू फिफ्टीन, ओके वेरी गुड. थर्ड 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 इज ए मीन्स 30 kg, ओके ओके. फोर्थ 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 इज सी मीन्स 108 kg, ओके. फिफ्थ फिफ्थ इज डी मीन्स 300 kg, ओके. एंड सिक्स सिक्स इज डी दैट इज 4 liter, ओके दैट इज 4 liter. समझ में आ गया आपको ये, ओके. सो वन से लेके सिक्स तक कोई प्रॉब्लम? अभी आईबीएम के दृष्टिकोण से, अच्छा सेकेंड में प्रॉब्लम है बेटा, मैं हर चीज सेकेंड सॉल्व कर देता हूँ. आईपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज आपको याद रखना है इसके अंदर. पहले सेकेंड सॉल्व कर दूं मैं, 75 paisa और देन 550 paisa एंड 450 paisa, ठीक है. तो ये हो गया 100, ये हो गया 375, राइट. तो 25 into 4, 25 into 15, तो 4 is to 15, ओके. जैसे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है, ओनली ओनली रेशियो. राई में करता हूँ सिक्स सॉल्व, वेट करो. क्वेश्चन वन में ओनली रेशियो फाइंड करना है, तो 2 is to 3 भी करेक्ट है. और अगर आपको ऑप्शन ऐसा देता 3 is to 4, 4 is to 3, 3 is to 2 एंड 3 is to 5, तो आप क्या आंसर मार सकते हैं? यस वेरी गुड, करेक्ट है. आप सी आंसर मार्क करोगे. बट अगर दोनों ऑप्शन दे दे, मान लीजिए आपको ऑप्शन ऐसा हो गया 3 is to 2 एंड 2 is to 3, तो क्या मार्क करोगे आप? यस समझे, अगर दोनों ऑप्शन दे तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप आंसर मार्क करोगे, ठीक है. अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके. ये ना एक बार जीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसके लिए बता रहा हूं मैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सपोज जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको भी ले लो, क्वेश्चन नंबर आप ले लो बेटा इसमें से क्वेश्चन थर्ड ले लो आप. थर्ड क्वेश्चन में मिक्सर का सीपी कितना दिया हुआ है, 27 rupees. मिक्सर का सीपी नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन दे दे कि प्रॉफिट 10% एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर इज 30 rupees. प्रॉफिट 10 नॉट प्रॉफिट लॉस दे लो, लॉस 10% एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर इज 30 rupees, ठीक है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो रूल क्या है कि हमेशा ये सीपी पे सॉल्व होता है, एसपी पे सॉल्व नहीं होता है. तो एसपी 30 rupees है एंड लॉस 10% है, तो सीपी आप फाइंड कर सकते हो, सीपी हम फाइंड कर सकते हैं. तो सीपी फाइंड करेंगे उसके बाद ये रूल अप्लाई करोगे, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ओके. तो वन से लेकर सिक्स तक सॉल्व हो गया. मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व कर देता हूँ. राही आपका क्वेश्चन था सिक्स, प्राइस ऑफ मिल्क इज 540 paisa, प्राइस ऑफ वाटर इज 0 paisa एंड प्राइस ऑफ मिक्सर इज 420 paisa, ठीक है. तो डिफरेंस कितने का हुआ, 120 और ये रहा 420. सो 6 7 एंड 6 2, 7 is to 2 है, ओके. एंड चलो ये आ गया 14 liter, तो 7 2 2 2 4. अभी आइए क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कीजिए, सेवंथ एंड एट सॉल्व कीजिए, ओके वेरी गुड. बताओ आंसर बेटा, सेवंथ का सी एंड एट. ये मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि जितना परसेंट प्रॉफिट हो, अगर 10% प्रॉफिट है तो 10/100 लिख दो, 20% प्रॉफिट है तो 20/100 लिखते हैं, 30% प्रॉफिट है तो 30/100,
40% है तो 40/100। ओके, अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7th है, इसमें वाटर इज टू मिल्क क्या आया आपका वैल्यू 1:10 आ गया। यस, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ वाटर इन मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो आप क्या लिखोगे आंसर? ओके, मन का 10 आया है, नम्र का 9.09, प्रणव 9.09। करेक्ट है आपका आंसर, 9.09 करेक्ट है, बिकॉज वाटर है 1 लीटर एंड मिल्क है 10 लीटर, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? टोटल मिक्सचर 11 लीटर, सो 1/11 × 100, दैट इज 9.09। ओके, तो ये आप ध्यान रखना एग्जाम में, समझ गए? आंसर इज 9.09%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th में अगर मैं पूछता हूं वाटर का कितना परसेंटेज है बताओ? 16.67। ओके, वेरी गुड, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आ गया ये 9th एंड 10th, ये एक ही जैसा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? 300 ml इज 40% सॉल्ट एंड 60% वाटर एंड 10th को भी मैं साथ में ले रहा हूं, 729 ml, 7:2 means milk and water। तो either percentage में दिया हो या ratio में दिया हो, either in percentage और in ratio, क्या करना है आपको? Exact value find कर लेना है। तो मुझे ये बताइए 300 का 40% कितना होगा? 300 का 60% is 180 और 7:2 है, तो milk कितना होगा? 7/9 × 729 एंड 2/9 × 729, तो ये हो गया 567 और ये हो गया 162 और ये 120 180। तो पार्ट वन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बढ़वागे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, अभी क्वेश्चन 9th में है, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट 50% ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हो तो इसके दो जगह पे इफेक्ट आएंगे, पहला टोटल सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो 300 में मैंने एक्स सॉल्ट ऐड किया तो 120 में भी एक्स सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा आपको। ओके, सो टोटल का 50% इक्वल्स टू न्यू सॉल्ट, टोटल इनटू 50% इक्वल टू न्यू सॉल्ट। ठीक है, तो 300 प्लस एक्स इनटू 50% इज 120%। क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड। ठीक है, तो ये रहा देखो ओरिजिनल रेशियो, इसमें एक्स लीटर वाटर ऐड कर दिया आपने, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? 7:3।
ठीक है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप फाइंड कर देंगे। ओके, तो नाइन्थ एंड टेंथ समझ में आ गया आपको। नाइन वापस करवा दूं, नाइन में क्या है देखो, 120 एंड 180 समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन है कि कितना सॉल्ट आप ऐड करोगे, तो सॉल्ट का जो वेटेज है वो 50% ऑफ द टोटल मिक्सर हो जाए। तो 300 प्लस एक्स इंटू 50% इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स। 300 प्लस एक्स इंटू 50% इज 120 प्लस एक्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आप सॉल्व कीजिए 11 एंड 12। सात इलेवंथ मैंने कट करवाया होगा नॉर्मल क्लास के लिए, आईपीएम के लिए नहीं बेटा। आज मुझे अच्छा हुआ, आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे स्मेल मेरे को आने लगा आज, तो मैं कल से फ्री हूँ। इलेवन सॉल्व करते हैं पहले। इलेवन क्वेश्चन जब मैंने कैट दिया था ना उस ईयर में आया था क्वेश्चन नंबर 11। वन अपॉन फाइव करेक्ट है काव्या बेटा, करेक्ट है आंसर आपका। देखते हैं, देखिए थ्री पार्ट्स वाटर है एंड फाइव पार्ट्स सिरप है, तो मैं मान लेता हूं कि थ्री लीटर वाटर एंड फाइव लीटर सिरप। ठीक, तो आप देखिए हाउ मच ऑफ द मिक्सर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। तो जब भी आप मिक्सर ड्रॉन करोगे वहां से जब मिक्सर हम निकालेंगे, ठीक है, तो जिस रेशियो में ओरिजिनल है उसी रेशियो में आप विड्रॉल करोगे। मान लीजिए 3:5 में है तो उसी रेशियो में निकलेगा वो। ठीक है, तो मान लो 3 लीटर लिया मैंने इनिशियल और 5 लीटर लिया। ठीक है, मैं अगर x लीटर विड्रॉल करता हूं तो वाटर कितना होगा, 3/8 होगा वाटर, 3/18 x, एंड सिरप कितना होगा, 5/18 x। इतना ही बन विड्रॉ होगा नौ। अभी जितना आपने मिक्सर विड्रॉ किया उतना आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो अगर मैं वाटर उतना ही ऐड करूंगा तो यहां पे प्लस एक्स लिखेंगे हम, प्लस एक्स। दिस इक्वल्स टू जो न्यू रेशियो है वो 1/2:1/2 है, मीन्स 1/2/1/2 मीन्स 1:1 लिख सकता हूं मैं, 1:1। ओके, तो बस हो गया सॉल्व आपका। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा 3 - 3x/8 + x 5 - 5x/8
इक्वल टू वन बाय वन. सो थ्री माइनस थ्री एक्स बाय एट प्लस एक्स इक्वल टू फाइव माइनस फाइव एक्स बाय एट. ठीक है, सो ये रहा टू फाइव एक्स बाय एट माइनस थ्री एक्स बाय एट प्लस एट एक्स बाय एट. तो ये कितना हो गया आपका, ये वैल्यू हो गया एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन माइनस थ्री मीन्स टेन एक्स बाई इक्वल टू टू. तो एक्स इक्वल टू एट बाय फाइव, एट एक्स इक्वल टू एट अपॉन फाइव. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या फाइंड करना, हाउ मच मिक्सर मस्ट बी एट अपॉन फाइव. ओके अच्छा ठीक है, टोटल हमने 8 अपॉन 5 लिया और टोटल मिक्सर कितना एज्यूम किया था आपने, 8 लीटर्स, टोटल 8 लीटर्स आपने एज्यूम किया था. तो सर वन फिफ्थ पार्ट होगा, सर वन फिफ्थ पार्ट है आपका आंसर, तो आंसर इज 1 बाय 5. ओके समझ गए. ये वन कैसे है, कहां पे वन कैसे आया बेटा, ये वाला हाफ इज टू हाफ इज वन बाय वन, हाफ इज टू हाफ तो वन अपॉन वन. ओके हाँ हाँ, डायरेक्ट में बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला इसका. ठीक है, अभी देखिए अगर इस टाइप का कोई रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, रिप्लेसमेंट वाला, तो क्या करोगे आप, पहले तो रेशियो फाइंड कर लेंगे हम. रेशियो कितना हुआ, 37.5 ये रहा वाटर और ये रहा सीरप, 62.5 सीरप. जब आप वाटर के साथ रिप्लेस कर रहे हो तो जो न्यू मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, वो मुझे पता नहीं कितना है, पर जो न्यू रेशियो बनेगा वो 50:50 का बनेगा. ओके तो आप एक्स का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, दिस माइनस एक्स इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू 12.5 आ गया, एक्स इक्वल टू 12.5. नो अभी इसमें आपको याद क्या रखना है वो देखो आप, नो आप रिप्लेस क्या कर रहे हो, वाटर रिप्लेस कर रहे हो. ठीक है, तो जो अगर आप वाटर रिप्लेस करते हो तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सिरप आएगा, वाटर रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में सिरप आएगा. ओके तो 12.5 अपॉन 62.5 आंसर इज 1/5, आंसर इज 1/5. समझ गए, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. साथ साथ ये समझ में आया यहां तक, ये चार्ट जो रेड से लिखा है मैंने, इनिशियल है 37.5 वाटर एंड 62.5 सिरप. ठीक है, उसमें जो न्यू मिक्सचर है, राइट, आप जो न्यू बन रहा है उसमें 50:50 है, हाफ हाफ है. ठीक है, तो मैं कितना विड्रॉ करूंगा, तो अगर ये x लिया मैंने 62.5 माइनस x इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू कितना बनेगा, 12.5. ओके हाँ, हाफ इनिशियल हो गया ना, सही है, बिकॉज इनिशियल का हाफ और बाद का हाफ दोनों इक्वल होगा, बिकॉज क्वेश्चन ना पढ़ो, जितना मिक्सर विड्रॉ कर रहे हो उतना वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो तो इक्वल ही रहेगा ना. मान लीजिए एक क्लास का स्ट्रेंथ है 100, मैं 20 बॉयज को क्लास से निकालू, ठीक है, 20 गर्ल्स क्लास में ऐड कर दू, तो स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट आएगा, बस वही है, इसमें भी सेम है. ओके तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड है. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन
40 लीटर मिल्क है, आप 4 लीटर इसमें से मिल्क निकाल रहे हो, क्या मैंने 12 हो गया नंबर? ये 12 मैंने बोला था आपको नॉर्मल लेक्चर में बोला था, आईपीएम के लिए मैं जनरली याद रखने नहीं बोला हूँ, मैंने बोला था कि नॉर्मल एग्जाम में इसका आंसर याद रखो 29.16 इस क्वेश्चन का आंसर, बट आईपीएम में ये 4 and 40 का डेटा नहीं देंगे आपको, इसमें बहुत क्वेश्चन चेंज करते हैं वो, ठीक है? अभी तो मैंने वो आपको स्टार्ट मैंने इसके लिए बुक से करवाया है, ठीक है? और मैं आई थिंक आपको ना नॉर्मल लेक्चर में 12 के बाद क्वेश्चन मैंने बोला होगा सॉल्व मत करो, 13 to 20 जनरली मैं सॉल्व नहीं करवाता हूँ, बट यहाँ मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे अभी, ओके? अभी देखिए 40 लीटर इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल मिल्क है, आप उसमें से 4 लीटर मिल्क निकालते हो एंड वाटर ऐड कर रहे हो, एंड ये प्रोसेस फर्दर 2 times हो रहा है, मीन्स टोटल 3 times हो गया, फर्दर 2 times मीन्स टोटल 3 times, ठीक है ना? तो आप देखिए क्या करना है इसमें से 40 लीटर में अगर 4 लीटर मिल्क आपने विड्रॉल किया, ठीक है, तो कितना परसेंट विड्रॉ हो रहा है? 10%। अगर 10% विड्रॉ करते हो तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना होगा? 90%, राइट? 90%। तो क्या करना है आपको, 40 into 90%, और ये जितने भी टाइम्स होगा, 3 times है तो 3 times लिखिए, into 90% into 90%, बस यही आपका आंसर हो गया, 40 into 90% into 90% into 90%, ओके? समझ गए? तो ये क्या बचेगा, ये मिल्क बचेगा, ये मिल्क बचा। अगर मैं आपसे ये पहले समझ में आ गया पार्ट आपको, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, ध्यान दो इसमें, इसी क्वेश्चन में आपका मिल्क कितना आया है आंसर, इसका आंसर बताओ मेरे को, 29.16 है, ठीक है ना? अब मुझे ये बताइए इसमें अगर मैं पूछता हूं कि वाटर कितना बचेगा तो क्या लिखोगे आप, अगर वाटर आपसे पूछ दे तो 10.84। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, पहले मिल्क फाइंड करना होगा और टोटल में से मिल्क माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिल्क तो फाइंड करना ही होगा आपको, राइट? सो 40 minus 29.16, दैट इज 10.84। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं मिल्क इज टू वाटर क्या बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, वैसे ही रेशियो लिख दो चलेगा, मुझे बस चेक करना है, वैसे ही रेशियो लिख दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट मत करो, मिल्क इज टू वाटर, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेटा इसमें वो आता है मिल्क इज टू टोटल सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? ये भी आप ऐसे ही लिख दो चलेगा मुझे, वेरी गुड, 29.16 is to 40, समझ गए? ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तो आपको ये पता था कि x लीटर टोटल सॉल्यूशन है, तो आपने लिखा 29.16 upon 40, बट मुझे अगर टोटल सॉल्यूशन पता नहीं हो तो क्या मैं, अगर मेरे से ये पूछता है मिल्क इज टू टोटल, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर? बस ये रूल याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर, ठीक है? क्वेश्चन हर्षित, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन लेना है आपको अभी, चलो मैं देता हूं क्वेश्चन,
चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको ना क्वेश्चन देने से पहले, किसी बच्चे के पास वो ये जो एम्प्टी सीरीज है उसका मिक्सर का सेट है आपके पास? आई थिंक एम्प्टी 10 या 9 होगा, एम्प्टी 9 या 10। देखो किसी के पास है, पढ़ने का मैं आपको बनाता हूं को होस्ट, आप शेयर करो ना, ठीक है, आप शेयर कर दो ये शीट। ऐसा कैसे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? मैं सर से बात करता हूँ, सर कैसे से? मैं बात कर लेता हूँ मैं सर से, अभी सर का लेक्चर चल रहा होगा, मैं बात करता हूँ 11 o'clock। ठीक है, कल आपका इंग्लिश का लेक्चर हो गया था ना? ओ ठीक है, कोई नहीं, तो मैं ना फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, चिंता मत करो। पढ़ने का आप शेयर नहीं किया अभी तक आपने? हाँ चलो जी, ओके बेटा। देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने आपको बोला है वो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक ट्राई करो आप, पहले 1 से 15, ओके 1 to 15, टाइम 15 मिनट्स। मेरे पास नहीं बेटा अभी इसका, मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है साथ में, अभी तो मैंने बोला हूं इसको शेयर करने के लिए। ये तो आप बहुत से बच्चों के पास होने भी चाहिए। अरे वाह, जील ने मेरे को सेंड कर दिया, वेरी गुड।
यस ऑल करना है बेटा, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस।
कंप्लीट हो गया। ओके यस ट्राई करो, उसको भी ट्राई करो। ओके साथ और वेरी गुड। ओके प्रणाम। ओके चलो चेक कर लेते हैं, मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट इज 1/5। ओके अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन था, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है चलिए, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड का बताओ आंसर। सेकंड नहीं आया, ठीक है ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 126 रुपये, 135 रुपये, 1, ठीक है। तो 126 इंटू 1 प्लस 135 इंटू 1 प्लस थर्ड वेराइटी मुझे पता नहीं है, तो x इंटू 2 दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 153, 4 इंटू 153। और ये जो 4 है आपका, ये है 1 + 1 + 2। ओके इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड इज सी। ओके ठीक है, थर्ड नहीं आया परम। ओके इसका तो सी आना चाहिए, बिकॉज देखो 7:5 में है, आंसर आ गया मेथड पता नहीं। ठीक है 7:5 है, तो 7 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को इसमें, सी। हाँ ठीक है
चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो मिक्सचर में क्या करना है, जो मेरा अपना लॉजिक है वो मैं समझाता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मिक्सचर के बेसिक एक दो ही रूल है जो आपको मैंने समझाया है अभी। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़े ना, उसी स्टेप में आप बढ़ते चलो, सॉल्व हो जाएगा, उसी स्टेप में बढ़ो। ठीक है, ऐसे देखिए, ए क्वेश्चन थर्ड, ए कैन कंटेन द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इज 7:5। ठीक है, तो मुझे पता है कि 7x और 5x इनिशियल सॉल्यूशन है। ठीक है, 9 लीटर मैंने विड्रॉ किया, तो 9 लीटर जब आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, तो 7 × 9/12 लिख सकता हूं मैं, 5 × 9/12। ओके, एंड फिल्ड विथ बी, तो +9, दिस इक्वल टू 7/9। ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड 7 × 9/12 की। ठीक है, अगर बेटा मैंने सपोज 9 लीटर विड्रॉ किया, उसमें 7:5 में दिया हुआ है रेशियो, तो ये पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट 7/12 × 9 होगा, ठीक, तो थर्ड आप सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ इज बी, ओके, फोर्थ का दिया हुआ है मिल्क वेंडर टू कैन, तो फर्स्ट 25 रेस्ट मिल्क, द सेकंड 50% वाटर। ठीक, तो फर्स्ट है, फर्स्ट में मिल्क इज टू वाटर इज 1:3 एंड सेकेंड में मिल्क इज टू वाटर इज 1:1, ये रेशियो है। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेंट्स सो दैट टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क सच दैट वाटर एंड मिल्क 3:5। ओके, मान लो दोनों में से मैंने x लीटर निकाल लिया, दोनों में से मैंने x लीटर, हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स, शुड ही मिक्स फ्रॉम, ओके, तो अब ये बताओ मेरे को, अगर दोनों में से मैंने x लीटर निकाला, तो फर्स्ट में मिल्क कितना बनेगा आपका, 1/4 इंटू एक्स बनेगा मिल्क, एंड वाटर कितना बनेगा, 3/4 × x, और सेकेंड में मिल्क कितना बनेगा, 1/2 × x एंड 1/2 × x, ये बनेगा। सेकेंड हाउ मच शुड मिल्क शुड बी मिक्स, शुड बी मिक्स फ्रॉम इट, तो ये क्या बन जाएगा अपना, टोटल मिल्क हो गया, फर्स्ट में मिल्क बेटा, नहीं मिल्क क्यों होगा, अच्छा वाटर इज टू मिल्क है, वो मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, वाटर इज टू मिल्क है, और सेकेंड में ये हो गया 3/4। ओके, ये मेरा मिस्टेक है, इसको 3:1 कर लें, तो 3/4 एंड 1/4। ओके, अभी सही हो गया। ओके, तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, 3x/4 प्लस x/2, ये दोनों को प्लस कर लें, मिल्क टोटल वाटर को प्लस कर लें, अपॉन x/4 प्लस x/2 इक्वल्स टू मिल्क इज टू वाटर इज 5:3। इससे आपको वैल्यू आ जाएगा x का। ठीक है, ये रहा डिटेल मेथड। अगर आप लॉजिक से सॉल्व करो, देखिए
कोई भी एक, या तो वाटर ले लो या तो मिक्स या तो मिल्क ले लो, वाटर ले लेते हैं, फर्स्ट में कितना परसेंट वाटर है 25, सेकेंड में कितना परसेंट वाटर है 50, ओके, और जो न्यू मिक्सचर है उसमें कितना परसेंट वाटर है 3/8 × 100 मीन्स 37.5%, ओके, तो क्या बनेगा ये वैल्यू 12.5 × 12.5 बनेगा ये वैल्यू 1:1, तो 12 को 1:1 में डिवाइड कर दो आप, तो 6 and 6 liters, ये तो रहा वाटर। मिल्क पे सॉल्व करो तो भी सेम आएगा वैल्यू, देखो 62.5 हो जाएगा, 62.5, ओके, ये हो गया 12.5 और ये हो गया 12.5, अगेन 1:1, 6 and 6 liters, समझ गए। तो दोनों में जो मेथड आपको इजी लगे उसे सॉल्व कीजिए, ओके, बट मिक्सर सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताओ आप, फिफ्थ सी, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाँ देखो सिक्स जो मैंने आपसे पूछा था ना क्वेश्चन, वो ये रहा क्वेश्चन। 25% प्रॉफिट है तो रेशियो क्या बनेगा 25/100 मीन्स 1:4, ओके, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा इसमें, वाटर का परसेंटेज वैल्यू 1/5 × 100 दैट इज 20%, ओके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो सेवंथ में क्या दिया हुआ, लास्ट लाइन पढ़ो आप, प्रॉफिट 10% एंड सेलिंग प्राइस इज 9.24, तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सीपी, तो सीपी कितना आ रहा है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर सेवंथ में 8.4 आ रहा है, सॉरी सेवंथ में सेलिंग प्राइस इज 9.24 एंड प्रॉफिट इज 10%, सो सीपी इंटू 110% इज 9.24, तो सीपी कितना आया बेटा 8.4 ना, यस 8.4, ठीक है। अभी देखते हैं, फर्स्ट प्राइस है 9, सेकेंड है 7 एंड दिस इज 8.4, तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 0.6 और ये सब्ट्रैक्ट करूं तो 1.4, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7:3, इसका आपको 27 केजी दिया हुआ है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इसका आंसर आना चाहिए डी, ओके, समझ गए। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, एट तो देखो ये आंसर ही याद होगा आपको 229.16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन्थ इज बी, 40% अल्कोहल रिप्लेस 19%
एंड नॉट 26%। ये हो गया 14 इज 7, तो ये हो गया 1:2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2/3 2/3। ये देखो इनिशियल कितना है 1, और रिप्लेस क्या कर रहे हैं हम 2, तो टोटल वॉल्यूम कितना है वही आपको फाइंड करना है ना, कि हाउ, पढ़ो आप क्वेश्चन है, पर्सन लेवल वाइज फाउंड, तो क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द विस्की रिप्लेस्ड इज ओके। एक जो देखो इसमें क्या है कि एक कोई भी जो कंटेनर है उसके अंदर जो अल्कोहल है उसमें 40% है, ठीक है, और सेकेंड जो आप रिप्लेस कर रहे हो, सेकेंड जो आप रिप्लेस कर रहे हैं उसमें वो उसमें कितना है 90% है, तो जो दोनों को कंबाइन मिक्स करोगे आप उसमें कितना 26 होना चाहिए। तो मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, ये पार्ट कर रहा हूँ रिप्लेस, सेकेंड, ओके। अभी किसी बच्चे ने बोला क्वेश्चन सेवंथ का लास्ट पार्ट समझ में आपको नहीं आया, देखो ये वाला पार्ट समझ में आया 7:3 तक, 7:3, तो 3 को आप किस नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा, दैट इज 9, तो 9 7 = 63 रेशियो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन ना आपके आईपीए में आया हुआ, ये 16% वाला, सिक्सटीन बाय हंड्रेड 4/4 = 425 ओके, बट उसमें एग्जाम में था 16 1/4% आई थिंक, यही था 16 1/4% आईपीएम में क्वेश्चन, या तो 16 1/4 था या तो 6 2/3% था, ठीक है, ये दोनों में कोई एक डेटा था, बट आईपीएम में आया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ने का आप बोल रहे हो इतना इजी क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन, हाँ बेटा इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, इसका डिटेल मेथड आप देखोगे ना तो समझ में आएगा ये कितना टफ क्वेश्चन है, ये तो इसका पप्पू मेथड है इस क्वेश्चन का, ठीक है, मैंने आई थिंक डिटेल मेथड क्लास में समझाया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं बोलिए क्वेश्चन आंसर बी, दैट इज 2:3 ओके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले आप सीपी फाइंड कर लो, सीपी कितना आया बेटा इसमें आपका, सीपी 62, तो काफी इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, थर्टींथ नहीं आया, थर्टींथ एंड क्वेश्चन नंबर जो आपने सॉल्व किया था सेकेंड, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट वैरायटी सेकेंड राइज बोथ, ठीक है, तो 15 × 2 + 20 × 3 दिस इक्वल्स टू 5 × x आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 इज बी, हाँ देखो ये क्वेश्चन में बात कर रहा था 14 के लिए मैं प्रेस सीट ले लूं। पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिर मैं बताता हूं 14, तो 8 में मैंने आपको समझाया था कि 40 × 90% × 90% × 90% आप लिखिए, ये बताया था मैंने, और
40 इंटू 90% रेस टू 3। और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 इंटू 1 माइनस 10 बाय 100 रेस टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स ये 40 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो, या तो आप इसको और भी एक काम करो, इसको और भी इजी कर लो, इसको आप ऐसे लिखो, ये लाइन छोड़ दे, आप ऐसे लिखो 40 इंटू 1 माइनस 4 बाय 40 लिखो रेस टू 3। अभी सही है, 4 हो गया जो आप विड्रॉ कर रहे हो एंड 40 इनिशियल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, तो अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी सेम मेथड से अगर मैं क्वेश्चन नंबर बात करूं 14th की, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू, मुझे पता नहीं इनिशियल वॉल्यूम, 1 माइनस 8 अपॉन x रेज टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो बचेगा, ये जो ऑपरेशन आपको आंसर देगा, वो क्या देगा, वाइन देगा, वाटर देगा, टोटल सॉल्यूशन देगा, क्या देगा बताओ मेरे को। वाइन देगा, वेरी गुड, सही है, ओके। अब मुझे ये बता दे कि आप क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्क to the water is 16:65. So wine is to water, there was 16:65. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ wine is to total क्या लिखोगे आप बताओ मेरे को, 16/81, very good, 16/81, तो बस हो गया सॉल्व। So this upon total equals to 60/81 लिख सकते हैं। बस यहाँ आपका सॉल्व हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, ये रेस टू 4 है इधर जाएगा, तो क्या बनेगा वैल्यू, 1 माइनस 8 बाय एक्स 16/81 रेस टू 1/4, सो 1 माइनस 8 बाय एक्स इज 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 8 बाय एक्स, 1/3 is 8/x, x equals 20. Okay? इसका 24 था ना आंसर? समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15. जो वाइन बचेगा उसमें मुझे इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है, तो जो वाइन बचेगा क्या मैं लिख सकता हूं x इंटू 1 माइनस 8 बाय x रेस टू 4, ये रहा वाइन, अपॉन टोटल x second part wine is to water दिया हुआ है, wine is to water है 16/65, so wine is to total क्या हो जाएगा 16/81, okay, first part जो 40 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 8, 40 इंटू 1 माइनस 4 बाय 40 रेस टू 3 लिखते हैं, फोर्टी इनिशियल वॉल्यूम, 4 जो आप विड्रॉल कर रहे हो वो, अब 40 टोटल एंड 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने बोला 600, ठीक है ना, अभी तो 15th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं मिक्सर के मेथड से, ठीक है, जो आपके बुक में अभी आंसर आप 600 मान लो करेक्ट है, मैं पहले बुक पे आता हूँ फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट्स का, क्योंकि आज मैं .11 o'clock तक क्लास खींचूंगा मैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं आपसे। ओके ठीक है, तो 9:21 to 9:30 तक का ब्रेक है आपका, आप फ्रेश हो जाओ, शाश्वत हो गया 10 मिनट्स, ठीक है।
चलो जी ब्रेक ओवर। अभी ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स, 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक देखो। अब 13 टू 20 में क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने डिफरेंट टॉपिक से लिए हैं, लाइक परसेंटेज से, नंबर सिस्टम से, एवरेज से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप मिक्सर का रूल कैसे अप्लाई करोगे वो हमें सीखना है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 पहले देख लेते हैं इसको नॉर्मल मेथड से, फिर देखते हैं मिक्सर का मेथड। ये रहा नॉर्मल मेथड। टोटल 480 स्टूडेंट्स है, 85% गर्ल्स एंड 70% बॉयज पास। हाउ मेनी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, टोटल पास 75%, ठीक है ना। मुझे ये पता नहीं है इसमें कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो मैं बी एंड जी टोटल इज 480 ऐसा लिख सकता हूं मैं, बी प्लस जी इज 480। जो पास परसेंट है वो गर्ल्स का है 85% एंड बॉयज 70%, तो बी इंटू 70% प्लस जी इंटू 85% इक्वल्स टू 480 इंटू 75% ऐसे लिख सकते हैं, B इंटू 70% प्लस G इंटू 85% इक्वल्स टू 480 इंटू 75%। आप लोग क्लास में हो ना सारे स्टूडेंट अभी, हाँ ठीक है ओके। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आंसर तो आ जाएगा बट बहुत टाइम लगाएगा। अभी देखते हैं मिक्सर के मेथड से, देखिए मिक्सर कितना अच्छा मेथड है। जो गर्ल्स है वो 85% एंड जो बॉयज है वो 70%, ठीक है। टोटल पास परसेंट है 75, ओके। तो जो 75 है वो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय परसेंटेज है, तो बस ये चेक कर लो कि जो मीन वैल्यू है वो दोनों के बिटवीन होना चाहिए, वहां पे आप मिक्सर का रूल अप्लाई कर दो। तो 85 माइनस 75 इज 10, 75 माइनस 70 इज 5, दैट इज 1:2। तो 1:2 में आप डिवाइड कर दीजिए, ये है गर्ल्स और ये है बॉयज। मुझे किसका फाइंड करना है, हाउ मेनी बॉयज अपीयर, मींस 2/3 इंटू 480, ओके आंसर इज 320। तो ये रहा मिक्सर का मेथड। ऑप्शन से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिक्सर का मेथड अप्लाई करके सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो आप 14 से लेके ना आप ट्राई करो 20 तक, 14 टू 20 इसने शाश्वत क्या किया, इसने गर्ल्स इन्होंने ऑप्शन से कैसे गए, ये देखो आप, ये बॉयज दिया हुआ है 320, तो गर्ल्स गर्ल्स हो जाएगा कितना 160 हो जाएगा, 320 एंड 160 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो ऑप्शन से गए होंगे, 320 इंटू 70%, 160 इंटू 85%, दैट इज 480 इंटू 75%। बट मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा आपको ऑप्शन से जाने में। मिक्सर मेथड बेस्ट मेथड है। चलिए आप सॉल्व 14 से 20 तक सॉल्व कीजिए।
नहीं नहीं जैसी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो मिक्सर मेथड से, फिर आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो ऑप्शन से तो जाना, अभी आप मिक्सर का मेथड अप्लाई करो। ओके
सिक्सटींथ में डॉट्स है, सिक्सटींथ इज 1:20 और लेवर है 840, तो 20 का वैल्यू है 840, तो 1 कितना हो गया 42। नाइनटींथ में डॉट्स है, 19 देखो बेटा, ये रहा 19, की 3 कैसे आया, 19 की बात कर रहे हैं क्या, 3 years दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, पढ़ो आप, इट्स टोटल इनकम इन 3 years इज 750, ₹18,19,20। तो क्या बनेगा रेशियो, 4:1 का रेशियो बनेगा, 4:1 में डिवाइड कर दो आप 50 केजी को, 40 and 10। तो समय 19th में उसने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 3 years के लिए और 750 इंटरेस्ट मिला उसको, ठीक है, तो 750 इक्वल्स टू 5,000 इंटू 3 इंटू रेट अपॉन 100, तो रेट आ गया आपका 5%। ओके, अब उसने 2 parts में डिवाइड किया है, एक पार्ट को 3% पे, दूसरे पार्ट को 8% पे, ठीक है, और जो मेन वैल्यू क्या है 5, तो ये आपने फाइंड किया, तो रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में डिवाइड कर दो। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 20, ओके समझ गए, ये था आपका मिक्सर टॉपिक, ठीक है। अभी आप निकालिए अरुण शर्मा का बुक, तो मिक्सर में इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल है जो आपने सॉल्व किया है, आप डिफिकल्टी लेवल 1 निकालिए, ओके, आप एक काम करो 1 से लेके ना 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1 to 25 एंड टाइम 30 मिनट्स, एलओडी 1 से लेके 25 तक सॉल्व कीजिए एंड टाइम 9:45 से, हाँ एलिगेशन बेटा, यस 700 एलिगेशन, 9:20 ले लो टाइम आप, ठीक है, सॉरी 10:20,
मैं नंबर चेक कर लेता हूं, अभी है 2 मिनट्स टाइम। ओके टाइम ओवर। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, 1 से 25 तक सॉल्व करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आया ना आपको?
कोई खास प्रॉब्लम? ठीक है लास्ट में एक दो क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज जनरल प्रॉब्लम नहीं आया, मीन्स आपको मिक्सर एलिगेशन टॉपिक समझ में आ गया। देखो आप अरुण शर्मा में जनरली अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड बुक का लेवल जो है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको इस टॉपिक पे आपका कमांड है, समझ गए? क्योंकि अरुण शर्मा बुक के लिए जो आपका रिव्यू है वो मुझे याद है, 2-3 क्लास पहले दिया था आपने रिव्यू अपना। ओके जी, चलिए तो मुझे बताइए फर्स्ट का आंसर क्या, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मुझे ना डेटा बताना बेटा, बिकॉज आई थिंक मेरे और आपके बुक में शायद क्वेश्चन में डिफरेंस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्या? अगर 40 आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है हमारा। एक एक क्वेश्चन का वो नंबर में डिफरेंस है। चलिए 25% वाटर वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी। एक काम करो ना, मुझे कोई भी ना इसका इमेज सेंड करो ना व्हाट्सएप पे मेरे को, कोई भी इमेज कर दो ना सेंड मेरे को एलिगेशन वाले क्वेश्चन का, उससे चेक कर लेता हूँ फिर। ओके शाश्वत आ गया, बाकी भी देना है बेटा उस पूरे उसका दे दो आप मेरे को, इस एक्सरसाइज का दे दो। ठीक है आ गया मेरे पास, ठीक है ग्रेट। चलो जी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 161। ओके ठीक है चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका 20, ठीक है ना, 20 है ना इसका आंसर, 40 है ना, 40। ओके चलिए जी सेकेंड बताइए मुझे, सेकेंड का आंसर, सेकेंड इज 800 स्टूडेंट्स इन कैट एग्जाम, इसका बताओ आंसर 200। ओके देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 50% बॉयज 90% गर्ल्स, ओके एंड 60% एवरेज, तो बस ये रूल अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड 11.67, ओके 10 केजी ऑफ सुगर 15-20 केजी, ठीक है एवरेज कॉस्ट, ठीक है ये भी फर्स्ट का लॉजिक से बताओ क्वेश्चन। ओके 160 में बेटा क्या है आपका, 160 में 25% वाटर है, मीन 40 वाटर हो गया तो 120 हो जाएगा वाइन, उसमें क्या किया आप वाटर कितना ऐड करोगे, सो वाटर 40% हो जाए तो 160 प्लस वाट एक्स इंटू 40% इज 40 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 केजी शुगर कॉस्टिंग इतना, 10 इंटू 15 प्लस 20 इंटू 10, और एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो 10 प्लस 20। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज 700, ओके ठीक है फोर्थ इज 700 डी। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ए, ओके फिफ्थ नहीं आया, परचेज 2.। देखो ये जो मेरे पास जो बुक है और आपका जो है इसमें ना कोई भी क्वेश्चन मैच ही नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं फिर देखते हैं। अशोक परचेज 2 क्वालिटी ऑफ ग्रेन रेट इतना इतना इन 50 क्वालिटी ऑफ सेकंड, ओके देखो बेटा पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ 195, सेलिंग प्राइस इज 195 एंड प्रॉफिट 30%, तो पहले आप सीपी फाइंड कर लीजिए इसका। ओके एसपी इज 195 एंड प्रॉफिट इज
30%। तो सीपी फाइंड कर लो, सीपी क्या आ रहा है वैल्यू 150। ओके सीपी 150। अभी देखिए इसका रेट क्या है, फर्स्ट है 100 रुपीज, सेकेंड है आपका 160 पर क्विंटल, 160, और ये है 150। तो रेशियो क्या हो गया 10 और ये हो गया 50, मीन्स 1:5 में, 1:5 में आप मिला दीजिए तो क्या हो गया 1:5 में 6। अच्छा दिस इक्वल्स टू 50, तो 1 इज हाउ मच 10 आएगा आंसर इसका, 10 क्विंटल। ओके क्वेश्चन नंबर 6। ओके 30। ओके ठीक है 30। क्वेश्चन नंबर 7 इज 5। ओके ये भी सेलिंग प्राइस है, तो इसमें भी सीपी फाइंड कर लो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 33.33 करेक्ट है, सबका सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वाटर इज टू वाइन आ गया इसमें, जो मैंने आपको समझाया था वाटर इज टू वाइन, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें वाटर इज टू वाइन या ओनली वाटर या ओनली वाइन या वाटर इज टू टोटल, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 10th नहीं आया, 10th देख लेते हैं। टेबल को वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, मीन्स 120, एंड चेयर 40% मीन्स 140। ओवरऑल प्रॉफिट है 125 मीन्स 125, तो ये हो गया 15, ये हो गया 5। ओके सो 3:1 का रेशियो है, ठीक है। तो 3:1 में डिवाइड कर दो आप, 120 हो गया बेटा, ये है टेबल और ये है चेयर। अच्छा 9th नहीं है, बता रहा हूं मैं, तो ये हो गया 3:1 में डिवाइड कर देंगे तो 1500 एंड 100 एंड 500। ओके क्वेश्चन नंबर 9, 50 लीटर रिपीट 2 times करना है, ठीक है। सो 500 इंटू 1 माइनस 50 बाय 500 स्क्वायर, तो 500 इंटू 9/10 इंटू 9/10 5 इंटू 81 405, ठीक है। इतना वाइन बचेगा, वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया आपका 95। सो 95 इज वाटर एंड वाइन 405, तो 519 एंड 581, 19:81 आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th नंबर क्वेश्चन बताओ, 11th इज बी। ओके अगेन जैसे प्रॉफिट देखो, ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड एसपी पे है, तो पहले आप सीपी फाइंड कर लीजिए। ओके एंड प्राइस ऑफ वाटर नहीं दिया है इसमें, ठीक है, तो प्राइस ऑफ वाटर 0 ले लो, इलेवंथ में क्या है बाई सिलेबल मिक्सर, एसपी इज 100 एंड प्रॉफिट इज 25%, तो पहले आप सीपी फाइंड कर लें, सीपी इंटू 125 80 आ गया ना, चलो सीपी 80 आ गया, ओके ना। अभी देखो आप प्राइस ऑफ मिल्क है 100, प्राइस ऑफ वाटर 0 एंड 80, 4:1, ठीक है। ओके और इसमें 10 लीटर वाटर दिया हुआ है, तो 1:10, तो 4:1 हाउ मच 40, तो टोटल 40+10 कितना होगा 50 लीटर ना, आंसर क्या दिया है 40 या 50,
जीरो दिया हुआ है इसका आंसर 15। ओके समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर आवाज है 12 तो नहीं आया। ओके हाँ कैलकुलेशन तो बहुत दिख रहा है, डेटा से ही दिख रहा है कैलकुलेशन। 5 times रिपीट करना है वहां पे, तो इसमें एक काम करें ना अपने, देखो 2 of 10 तो कितना परसेंट हुआ, ये 20%, तो रिमेनिंग कितना है 80% है रिमेनिंग, तो 10 gallons इंटू 80% इंटू 80% इंटू 80% कितने टाइम्स है, रिपीटेड 5 times, सो रेज टू 5 कर दीजिए इसको। ओके सो 10 इंटू इसका आंसर, चलो लॉजिक तो होगा कुछ इसमें ना, हंड्रेड इंटू हंड्रेड 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 ठीक है देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 जीरो कैंसिल कर दो पहले आप, 2 4 6 6 जीरो बताएगा यहाँ पे 10,000 मीन्स 25 into 4 and 25 into 4 मीन्स डिनोमिनेटर में देखो तो 625 है क्या, अच्छा दो ऑप्शन में 625 ठीक है, 4 2 8 4 2 8 ठीक है, सो 512 into 4 upon 625 2048 upon 625 आंसर ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए आएगा बेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 13 इज सी, ओके ठीक है इसमें सी आ गया ना, तो इसमें आपको इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा एक्स इंटू 1 minus 1/4 मिल्क मीन्स कितना हो गया 1/4x रेज टू द प्रोसेस रिपीटेड 4 times दिस इक्वल्स टू 100, तो आप सॉल्व करो इसको, ठीक है ये बनेगा कुछ। ओके क्वेश्चन नंबर 14 इज बी, ओके तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। 15 इज डी, ओके हाइड्रोमोन इज 4 gallons केप्ट इन द ट्रंक कंपार्टमेंट, ये तो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है 36:2 अच्छा ओके 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 आपको जो सीट में सॉल्व किया था ना 18 उस टाइप का ही क्वेश्चन है देखो आप, हाँ इनिशियल वॉल्यूम वाला, तो 36 upon 36 plus 13 49 हो जाएगा, ये एक्स इंटू 1 minus 4 upon x रेज टू कितने टाइम्स है टोटल, ये 2 times अपॉन x इक्वल टू दिस वन ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए x कैंसल हो गया 1 minus 4 by x इज 6 upon 7 1 minus 6 by 7 इज 4 by x
1 by 7 is 4 by x. So x equals 28 answer. Question number, sir, square है. यहाँ पे स्क्वायर होगा बेटा अगर इस साइड वन तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा इस साइड क्वेश्चन नंबर 16 ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 17th में आप लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे 17th में शाश्वत किसका 17th का आंसर सी20 पैसे कॉइंस मान लीजिए एक्स है और 60 पैसे का कॉइन वाई है टोटल कितने 20 पॉइंस हो गए और एक्स बाय टेन प्लस अच्छा ओके ओके नहीं 20 पॉइंट्स है ना 20 पैसे कॉइंस कहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में फाइंड करना है 20 पैसा कॉइंस अच्छा ओके ओके मीन्स कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक होगा फिर कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में ठीक है कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें सिक्सटी पैसा 10 पैसा फाइंड कर सकते हो 20 पैसा तो होगा ही नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 700 60 20 क्या लिखा है आपने किसमें 17th का लिखा है आपने 60 and 20 पैसा या तो 10 पैसे को 20 पैसा कर दो या तो 20 पैसा को 10 पैसा कर दो तो ही पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर आया आपका ए 20/100 मीन्स हो गया 1/4 and 1/5 करेक्ट है ओके क्वेश्चन नंबर 19 इज ए ओके ये भी अच्छा क्वेश्चन हमने बुक में ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 शुभम क्या लिखा है आपने 18th करवा दूं है ना 18th में 25% है 25/100 दैट इज 1:4 सो 1/5 × 100% इज 20% ओके क्वेश्चन नंबर 19 75 लीटर में 20% वाटर है मींस कितना हो गया 15 लीटर और 60 लीटर क्या हो गया अल्कोहल हो गया ठीक है ये हो गया वाटर और ये अल्कोहल ठीक है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड तो 75 + x और ये हो गया 15 + x वाटर इज 25% ऑफ टोटल इसको सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही सेम है ओके क्वेश्चन 21 अच्छा ये तो आपको एक सीट में ये क्वेश्चन दिया था मैंने ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है वैसा ही क्वेश्चन है ना ये मिल्क एंड वाटर वाला जो था ये इसमें 6 and 6 liter आंसर आया था आपका क्या करो आपको भी एक वैल्यू ले लो चलिए हो गया 8/11 हो गया 5/6
और ये हो गया 4/5, बस इससे रेशियो फाइंड कर लो आप। ओके, बिकॉज यहाँ पे 11 है, इसके लिए मैंने इसको ना रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं किया, रेसिप्रोकल इन परसेंटेज, फ्रैक्शन में ही रखा है मैंने। ओके, क्वेश्चन 22 इज दी ठीक है, फर्स्ट में से 2 लीटर निकाल लो, सेकंड में से 3 लीटर उसी परसेंट, तो ये भी अच्छा इजी क्वेश्चन है। 22 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, 23 ये सब सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, 23, 24, 25 ठीक है। बट एंड आंसर नहीं आया, 25 कर दूं मैं। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप चेक करना, आईपीएम का जो सैंपल पेपर है ना उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 25th में, आईपीएम का सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है 25th, ठीक है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यशवी मेरे ना आईपैड का बैटरी खत्म हो गया है, 2% है ठीक है, ये कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मैं 25th ना सॉल्व करके भेज देता हूँ आपको। ओके, ये नहीं तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा मेरा अभी, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना। मैं 25th, इसमें कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी तो डिफरेंट है, मिक्सर कैसे पता चलता है, मिक्सर पता चलने का रूल क्या है कि जब भी दो को आप मिक्स करो ठीक है, तो जो एक वैल्यू जो थर्ड क्रिएट होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन होगा, ये है मिक्सर का फंडा। जैसे एवरेज में किसी को मिक्स करते हो, रेशियो में लिया मैंने टॉपिक, परसेंटेज में लिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे टॉपिक्स में हो सकते हैं। 25th वाले में चलो, 25th जब तक है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अब छोड़ देंगे, फिर आपको एग्जिट हो जाना ठीक है। टोटल 105 कॉइन्स है, 1 rupees 50 paise एंड 25 paise है। इफ टोटल देर आर 50.5 rupees इन बैग एंड 25 paise कॉइन्स आर 133.33% मोर देन द नंबर ऑफ, तो 1 rupees के नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने अगर बेटा एक्स एज्यूम किया ठीक है, तो 25 paise कॉइन्स कितने होंगे, 133 1/3% मोर, मीन्स ये कितना हो गया 400/3%। ओके, और बिकॉज मोर लिखा हुआ है तो 100 साथ प्लस करेंगे, मीन्स 700/3%। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स इंटू 700/3% ठीक है। एंड टोटल क्वाइंस कितना है, टोटल 105 क्वाइंस है ठीक है। तो देखिए, अगर 105 क्वाइंस है टोटल, ये कितना हो गया 7x/3, तो 1 rupees and 25 paise कितने क्वाइन हो गए, 1 rupees + 25 paise क्वाइंस इज x + 7x/3, 10x/3 हो गया नो, तो 50 paise कितने बचेंगे आपके पास, 105 - 10x/3 ओके। यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी क्या करो, सारे वैल्यू को आप ना रुपीज में कन्वर्ट कर लो, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हाँ बेटा, तो 1 rupees को आप कन्वर्ट करो तो क्या होगा, एक्स 50 paise को कन्वर्ट करेंगे तो 105 - 10x/3/2 एंड 25 paise 7x/3/4
दिस इक्वल्स टू 50 रुपीज 50 पैसे, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आईपीएम के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हो आप। एक्स अपॉन 6 + 7x / 12 ये हो गया 12x + 8 = 30 - 20x + 7x = 50.50 × 12, ये कितना आ गया, ये 19 8 30 - x = ये कितना बनेगा वैल्यू चेक करो, 0 0 कैंसल, 5 2 5 1 0 1 2 6 6 0 6 बनेगा, ओके, सो 8 30 - x = 6 0 6, एक्स कितना हुआ 8 30 - 6 0 6, कुछ ज्यादा आ रहा है वैल्यू, इतना नहीं आएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है मैंने, वो 630 है कहां पे बेटा, 630 ओके 630 हाँ, तो 630 अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर 630, तो 24 इसका आंसर आएगा, फिर 24 है क्या ऑप्शन, हाँ समझ गए, ओके चलो, तो मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहा हूं, ओके, आप मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट वीक में ना मैं क्वाड्रेटिक समझा दूंगा, ओके, एंड संडे को मैं ना अपने हिसाब से रैंडम टॉपिक्स के रैंडम क्वेश्चंस उठा के समझा दूंगा आपको, ठीक है, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस में एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूंगा आपको, ठीक है, सेट, हाँ चलो सेट ले लेते हैं फिर, एक काम करता हूँ, चलो अच्छा आपने टॉपिक दे दिया मेरे को, तो एक दिन सेट ले लेते हैं और एक दिन ले लेता हूं मैं क्वाड्रेटिक, ओके ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपने मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे।